हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। चैप्टर कौन सा है? प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बच्चों, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना है, जो कि आपके लिए हम जो भी लेटेस्ट न्यूज़ डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें ये बच्चों थोड़ी सी कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमको क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं पहले मैं क्या बोल रहा है। इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल है किसके 3 से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है कि वो 6, जैसे अगर मेरे पास ये 6 एक नंबर है, ठीक है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है, 3 से तो हम इसको डिविजिबल कर सकते हैं। यानी कि कितना होता है 6, 3 टू जा 6, तो ये 6 से तो डिविजिबल है ना। 6 जो है 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट इनकी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अगर कोई नंबर 3 का डिविजिबल है तो वो 9 का भी डिविजिबल होगा, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि जो 6 है, जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, लेट मान लिया कि 6 एक नंबर है, 6 क्या है 3 से डिविजिबल है, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है इनकी? फॉल्स। तो हम इसके आगे लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पे। अगले में क्या बोल रहा है? अगले में कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है? अगले में स्टेटमेंट बता रहा है कि, अब बी स्टेटमेंट है हमारी, बी स्टेटमेंट कौन सी है? बी में बोल रहा है कि इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल है किसका? 9 का। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 9 का डिविजिबल है तो वो नंबर 3 का भी डिविजिबल होगा। ये बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट में। तो हम देख लेते हैं कि ट्रू है या फॉल्स। जैसे 9 का कोई डिविजिबल लिख लेते हैं, 9 का डिविजिबल क्या लिख सकते हैं हम? 18 लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या नंबर है? ये 9 के डिविजिबल है। अब हम देख लेते हैं कि ये 3 के भी डिविजिबल हैं, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होंगे या नहीं, देख लेते हैं। तो 3 6 में चला गया, 3 ये 9 में चला गया, और ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने बोला कि कोई भी नंबर जो है वो 9 का डिविजिबल है तो वो 3 का भी डिविजिबल होगा। और हमने चेक भी कर लिया कि 9 के जितने भी डिविजिबल हैं वो क्या हैं? 3 के भी डिविजिबल हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है इनकी? ट्रू। तो इसके आगे लिख दो ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। और सी, आप सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? सी पार्ट में बोल रहे हैं कि, सी पार्ट में बोल रहे हैं आ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसका? 18 का। इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ इन बोथ 3 एंड 6, अगर कोई नंबर है जो वो 3 और 6 का, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, अगर कोई नंबर वो 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो क्या वो होगा? वो 18 का भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अगर कोई नंबर, कोई नंबर जो है यहाँ पर, अगर हमने कोई नंबर मान लिया x है, ये नंबर 3 और 6 का क्या है? डिविजिबल है। ये नंबर जो है 3 और 6 का डिविजिबल है, तो ये नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। देख लेते हैं 3 और 6 का डिविजिबल, देख लेते हैं 3 का, यानी अगर मैं ले लूँ 12 एक नंबर है, मैंने मान लिया 3 और 6 का डिविजिबल क्या है? 12। अगर मेरे पास कोई नंबर है 12, अगर मैं इसको 3 से भी डिविजिबल कर सकता हूँ, 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा ये, है ना, 3 4 जा 12, और 6 से भी हो जाएगा, 6 2 जा 12, है ना, 6 से भी हो जाएगा। लेकिन ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, 18 से नहीं हो सकता ना, 18 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इनकी स्टेटमेंट, ये क्या बोल रही है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हमने देखा कि अगर हमने कोई नंबर लेट मान लिया कि 12 एक नंबर है, वो 3 और 6 दोनों से क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है, लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं हो पाता। तो ये क्या है इनकी? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके आगे लिख दो फॉल्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और उसके बाद डी पार्ट में क्या बोल रहा है? डी पार्ट में देख लेते हैं हम, डी पार्ट में क्या बोल रहा है? डी पार्ट में बोल रहा है इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई नंबर ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है।
देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। क्या वो 19 से भी डिविजिबल होगा? ये स्टेटमेंट बोल रही है ऐसा कोई नंबर है, यानी कि हमारे पास कोई नंबर है वो क्या है 9 और 10, 9 और 10 दोनों से क्या हो जाता है डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर क्या 19 से भी डिविजिबल होगा, 19 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर। तो देख लेते हैं हम, जैसे 9 और 10 से कौन सा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो सकता है। तो हमने दिमाग लगाया और हमने सोचा कि अगर जो 19, अगर मैं 19 नंबर जो है मेरे पास, ये 19 नंबर है मेरे पास, यही ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो सकता है ना, 90 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है ना, 180 भी हो सकता है 9 से, 9 टू जा और 0 और 10 से भी हो सकता है तो 180 भी हो सकता है, और 180 जो है 90 से भी हो सकता है ना, 180 जो है 90 से भी हो सकता है। तो और 90 जो है 90, अगर मैं सबसे छोटे नंबर में ले लूँ, एक 90 नंबर है मेरे पास जो क्या होगा 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, और क्या होगा वो नंबर 90 अपने नंबर से तो होगा ही डिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो हमने देखा कि जो अगर हमने एक नंबर माना क्या 90, जो 90 एक नंबर माना हमने, वो क्या है 9 और 10 दोनों का डिविजिबल है और 90 का भी डिविजिबल है। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके आगे ट्रू, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले में, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, ई पार्ट में बोल रहा है कि इफ़ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर कोई दो नंबर है वो क्या है को प्राइम नंबर है, अगर कोई दो नंबर वो को प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनमें से एक नंबर क्या होगा प्राइम नंबर होना जरूरी है। देख लेते हैं, अगर मैंने माना कि दो नंबर है, मान लो मेरे पास कोई x और y, ये मेरे पास क्या है दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका जो फैक्टर होता है वो एक ही कॉमन होता है, यानी कि वन, दोनों का फैक्टर क्या होता है वन, और दोनों में क्या होगा वन कॉमन होगा, तो वो को प्राइम नंबर माने जाएंगे। तो ये अगर मेरे पास दो नंबर है x और y, तो मैंने क्या, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर दो नंबर है आपके पास को प्राइम नंबर, तो उनमें से एक नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी है, तभी वो क्या होंगे को प्राइम नंबर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास नंबर है कोई 15 मैंने ले लिया और मैंने ले लिया 32, ठीक है। ये क्या है 15 और 32, ये कौन से नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 15 के फैक्टर क्या होंगे 1, 3 और 5, है ना, 15 के फैक्टर क्या होंगे 1, 3, 5 और 15, ये 1, 2, 3, 4, इसके चार फैक्टर होंगे। और 32 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 4, 8 और क्या होगा 8 और 32, 16 और 32, तो इसके क्या होंगे इतने फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32 के कितने फैक्टर हो गए 6 फैक्टर हो गए, और 15 के क्या हो गए 4 फैक्टर हो गए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है वन क्या है, एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में ही, वन क्या है कॉमन फैक्टर है, और तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये नंबर क्या है एक को प्राइम नंबर है, लेकिन ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर भी तो है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि अगर दो नंबर को प्राइम नंबर हैं तो उनमें से एक नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी है। लेकिन हमने देखा कि दो कंपोजिट नंबर भी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो सकते हैं, है ना, प्राइम नंबर की जरूरत नहीं है, दो कंपोजिट नंबर भी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनकी ये जो स्टेटमेंट थी ये हो गई एक फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने हमको बोला था कि अगर दो नंबर को प्राइम नंबर तभी होंगे जब उनमें से एक नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी है। लेकिन हमने देखा कि दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो इनकी ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं, अगले पार्ट में क्या बोला है एफ पार्ट में बोला है इन्होंने ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी नंबर है जो 4 का डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल होएगा, तो वो जरूरी है कि 8 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि हम देख लेते हैं, अगर मान लो हमने कोई नंबर माना x, ये 4 का डिविजिबल है, अगर ये नंबर जो है x ये 4 का डिविजिबल है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये 8 का भी डिविजिबल होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं 4 ही लंबा ले लूँ
तो 4 4 का डिविजिबल है लेकिन 8 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर हो गया, और दूसरा नंबर अगर मैं 12 ले लूँ, 12 क्या है, 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 का डिविजिबल है वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। इन्होंने बोला था कि कोई भी नंबर अगर 4 का डिविजिबल है तो वो 8 का भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमने देखा कि अगर कोई नंबर 4 का डिविजिबल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 8 का भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकी एक फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले पार्ट पे चलते हैं। इतनी बात तो हो गई है क्लियर, अब हम चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में क्या बोला है बच्चों, अगले पार्ट में बोला है कि जी पार्ट में क्या बोला है, जी पार्ट में बोला है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर 8 का डिविजिबल है तो वो 4 का भी डिविजिबल होगा। तो 8 के डिविजिबल देख लेते हैं हम कौन से होते हैं, 8 के डिविजिबल कौन से होते हैं, 8 16 24 36 40, ये सब क्या है, 8 के डिविजिबल है, 8 के डिविजिबल होगा ये नंबर तो, है ना। और भी लिख सकते हैं हम जितने भी 8 के डिविजिबल हैं, ये चलते चले जाएंगे। क्या अब ये नंबर 4 के भी डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो सकते हैं ये नंबर, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 16 हो सकता है, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, और 4 वन ज़ा 4, 4 सिक्स ज़ा, फिर 4 वन ज़ा 4, 4 नाइन ज़ा, है ना। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी नंबर 8 के डिविजिबल हैं वो 4 के डिविजिबल भी हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी नंबर 8 के डिविजिबल हैं वो नंबर 4 के डिविजिबल भी हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके आगे क्या लिखना है हमको, ट्रू, कि ये स्टेटमेंट आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब जी एच में क्या बोल रहा है, एच पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर कोई नंबर किसी नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है, अगर मेरे पास दो नंबर है मान लो ये x और y, ठीक है, इन नंबरों को कौन डिवाइड करता है, ये z नंबर। अगर मेरे पास कोई नंबर है x और y, ये सेपरेट नंबर है ना, अभी सेपरेट नंबर है, और इन दोनों ही नंबर को ये z नंबर जो है ये क्या करता है, डिविजिबल करता है। तो अगर जब मैं x और y को प्लस कर दूंगा तब भी क्या ये नंबर z इसको डिविजिबल कर सकता है, तो देख लेते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, अगर मैंने नंबर ले लिया 6 और 3, अगर मैंने नंबर ले लिया 6 और 3, अगर मेरे पास नंबर है ये 3 एक नंबर है मेरे पास, और मेरे पास दो नंबर क्या है 6 और 3, यानी 6 और 3 यानी 9 भी ले सकते हैं हम, 9 भी ले सकते हैं, 6 और 9। अगर मान लो मैंने 6 और 9 दो नंबर ले लिए, सेपरेट नंबर है, 6 और 9 दोनों सेपरेट हैं अभी, और मैंने क्या करा इसको 3 से डिविजिबल कर दिया, तो 3 क्या है 6 को भी डिविजिबल कर सकता है, 3 टू ज़ा क्या होता है 6 होता है, और 3 क्या है 9 को भी डिविजिबल कर सकता है, यानी 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है। तो हमने क्या देखा, जब तक ये नंबर सेपरेट हैं 6 और 9, तो 3 जो नंबर है इनको डिविजिबल कर सकता है। जब मैंने इनको ऐड कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है कि अगर जब तक सेपरेट नंबर हैं तो कोई नंबर उनको डिविजिबल कर सकता है, जब उन नंबरों को हम ऐड कर दें, यानी कि हम 6 और 9 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या फिर भी ये 3 इनको डिविजिबल कर सकता है। तो 9 6 कितना होता है 15, 9 6 कितना होता है 15, और 3 15 को कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, 3 5 से क्या कितना होता है 15। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला था कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर कोई दो नंबर है हमारे पास वो सेपरेट हैं, यानी कि एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर यहाँ पर है, इन दोनों ही नंबर को कोई भी एक नंबर हमने मान लिया वो जेड नंबर है, कोई भी एक नंबर दोनों को ही डिविजिबल कर सकता है। तो हमने देखा कि हाँ भाई कर सकता है, क्या जब मैं इनको ऐड कर दूँ, अगर मैं इन्हीं दो नंबर को ऐड कर दूँ फिर भी क्या ये नंबर उनको डिविजिबल करेगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने नंबर लिया 6 और 9, तो मैंने देखा कि 3, अगर मैंने एक 3 क्या है जेड नंबर है, और एक्स नंबर क्या माना मैंने 6, और वाई क्या माना मैंने 9, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब मैंने 6 और 9 दो सेपरेट नंबर लिए और मैंने उनको 3 से डिविजिबल करके देखा, तो मैंने पाया कि 3 ने उनको क्या कर दिया, डिविजिबल कर दिया दोनों को, है ना। फिर मैंने देखा कि जब मैंने 6 और 9 को ऐड कर दिया, फिर भी इस 3 ने क्या करा
उनको डिविजिबल कर दिया, जब उन दोनों नंबरों को ऐड करा फिर भी इस 3 ने उसको डिविजिबल कर दिया। तो ये स्टेटमेंट होती है इनकी एक ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर कोई नंबर सेपरेट किसी नंबर को, दो नंबरों को सेपरेट जब हैं उनको डिविजिबल कर सकता है, तो वो नंबर जब वो ऐड हो जाए फिर भी उनको डिविजिबल कर सकता है। तो हमने देखा हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकी एक ट्रू स्टेटमेंट। तो इनके आगे क्या लिख सकते हैं हम, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, इसके आगे लिख सकते हैं हम ट्रू स्टेटमेंट। अब आई पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, ये इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के सम को, समझ लो x प्लस वाई दो नंबर है, इनके सम को अगर कोई नंबर दो नंबरों के सम को डिविजिबल कर सकता है, तो वो नंबर क्या जब वो नंबर दोनों सेपरेट हो जाएं तब भी डिविजिबल कर सकता है। तो देख लेते हैं, अगर मैं कोई नंबर मान लो मैंने नंबर मान लिया 12 मेरे पास क्या है, एक नंबर है, तो ये अगर मैं इसको 2 से डिविजिबल करूं तो ये नंबर क्या है 2 12 को डिविजिबल कर सकता है। लेकिन अगर मैं 12 को ही 7 प्लस 5 लिख दूं तो अब क्या ये 2 इन दोनों नंबर को डिविजिबल कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्योंकि 2 जब ये क्या है 2 जब तक ये नंबर 12 था तो इसको क्या करा इन्हें डिविजिबल करा, लेकिन जब मैंने इसी 12 को दो नंबरों में बांट दिया यानी सेपरेट कर दिया तब ये 2 क्या हो गया इनको दोनों को डिविजिबल करने में फेल हो गया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है इनकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबरों के सम को डिविजिबल करता है तो वो नंबर जब वो सेपरेट होंगे नंबर फिर भी उनको डिविजिबल करेगा, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्या स्टेटमेंट इनकी, ये स्टेटमेंट हो गई इनकी एक फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये क्या है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज, यहाँ पे क्या है एक ट्री बनी हुई है, फैक्टर ट्री बनी हुई है, तो हमको क्या करना, राइट द मिसिंग नंबर्स, जो यहाँ पे मिसिंग नंबर्स हैं, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे जो बना है फुल, ये क्या है एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर है, तो ये क्या है एक मिसिंग नंबर है, हमको क्या करना है इनके फैक्टर को फाइंड कर यहाँ पे मिसिंग नंबर को भरना है। तो हम भर देते हैं 60 को, क्या करा हुआ है यहाँ पे 60 का फैक्टर क्या बनाया हुआ है, 60 को कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, 10 इंटू में 6, 10 इंटू में 6 क्या है 60, 10 इंटू में 6 क्या है 10 इंटू में 6 क्या है 60, तो और 6 का फैक्टर क्या बनाया हुआ है यहाँ पर, 6 का फैक्टर क्या बनाया हुआ है देख लेते हैं, यहाँ पे 6 का फैक्टर बनाया हुआ है इन्होंने, 6 को 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो 6 का फैक्टर बनाने के लिए क्या होगा, 2 को 2 तो दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, 2 दे रखा है यहाँ पे और 6 दे रखा है, तो हम 6 का फैक्टर, जब इन्होंने 60 का फैक्टर बनाया, 60 का फैक्टर कैसे बनाया, 6 इंटू में 10, तो 60 का फैक्टर बना दिया। अब इन्होंने क्या करा, 6 का फैक्टर बताना है हमको, 6 का इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, 2 दे दिया, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 से, क्योंकि 3 2 जा क्या होता है 6 और 2 3 जा क्या होता है 6, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों कौन सा नंबर आएगा 3, क्योंकि जब इन्होंने 60 नंबर दिया हमको, 60 को इन्होंने किस में दो पार्टों में तोड़ा, 6 इंटू में 10, यानी कि 10 6 जा कितना होता है 60, तो फिर अब इन्होंने दिया हमको 6 नंबर, 6 को कितने पार्ट में तोड़ रखा है, दो पार्ट में, और एक पार्ट क्या दे रखा है 2, तो दूसरा पार्ट क्या हो सकता है 3 हो सकता है, क्योंकि 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, तो यहाँ इस वाले पार्ट में क्या आएगा 3। और अगले पार्ट में चलते हैं, अब अगली तरफ, अगले में क्या दे रखा है 10, 10 को किस पार्ट किन पार्टों में तोड़ा हुआ है, दो पार्टों में तोड़ा हुआ है, एक पार्ट क्या दे दिया 5, तो हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों कि 10 आ जाए, 5 2 से कितना होता है 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, इस वाले जो खाली जगह पे क्या आएगा 2, क्योंकि 5 2 से कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे हमने भर दिया 2। तो अब हम अगले पार्ट में चलते हैं, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं बी पार्ट में, बी पार्ट में 60 को इन लोगों ने किस 60 को किन दो पार्टों में तोड़ा हुआ है 30 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 60 बन जाए, 32 से कितना होता है बच्चों 32 से कितना होता है 60, तो यानी कि जब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, तो इस वाले खाली स्थान पे क्या आ गया हमारा 2, और इस 30 को किस नंबर में तोड़ा हुआ इन्होंने, 30 कैसे बना सकते हैं, जब हमको एक नंबर दे दिया हमको क्या बनाना है 30, और एक नंबर दे दिया हमको
टेन, जब हम टेन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 30 बन जाए, तो हमको किससे करना पड़ेगा, 3 से, 10 3 से कितना होता है 30, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 3, यानी 10 3 से 30। अब इस 10 को, अब ये नंबर क्या दे दिया, 10 दे दिया, तो 10 को हम किन दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, 10 को हम 10 बनाना है हमको, हम कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 5 2 का कितना होता है 10 होता है, तो 5 इंटू में 2, 5 इंटू में कितना होता है 10, तो इन पार्टों में क्या आएगा, एक में 5 और एक में 2। तो देखा हम आपने कितने आसानी से हमने ये जो मिसिंग नंबर्स थे ये भी फाइंड कर लिए। अब हम चलते अगले पार्ट पे, अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं देखते हैं अगले पार्ट में, पहले हम इसको कर देते हैं इरेज। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले पार्ट पे क्या बोल रहा है बच्चों, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, कौन से नंबर हैं जो जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो हम उन दो नंबरों को इंक्लूड नहीं करते। तो अगर मैं कोई प्राइम नंबर ले लूँ, मान लो मैंने प्राइम नंबर ले लिया 35, अगर मैंने ये एक क्या है प्राइम नंबर है, 35 क्या है एक प्राइम नंबर है, अगर मैंने 35 को ले लिया एक प्राइम नंबर के उसमें, तो अगर मैं क्या करूँ इस प्राइम नंबर 35 को, मैं अगर ये किससे जा सकता है, ये 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 बन जा 3 नहीं होगा 3 से डिवाइड, तो हम 35 के फैक्टर के 35 के हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं, 35 हम इसको कैसे बना सकते हैं, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, और तो ये आ गया कितना आ गया, 35 को हमने किन पार्टों में तोड़ लिया, 35 को हमने तोड़ लिया 5 × 7 में, 35 को हमने किन दो नंबरों में तोड़ लिया 5 × 7 में, यानी 5 7 जा कितना होता है 35। तो हमने क्या देखा, जब हमने 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 35 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो कितने में चला गया ये 5 और 7 में, 5 और 7 हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन जब हम इसी 35 का फैक्टर लिखते हैं, जब हम इसी 35 के फैक्टर लिखते हैं, ये अभी हमें प्राइम फैक्टर लिख दिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर लिख दिए 5 और 7, और जब हम इसके 35 के अपने खुद के फैक्टर देखें तो कितने लिखते हैं हम 1, एक तो 1 तो होगा ही इसका फैक्टर, और 5 होगा और 7 होगा और 35 भी होगा, है ना, 35 भी होगा। लेकिन हमने क्या करा, सिर्फ 5 और 7 को ही इंक्लूड करा इस फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें हमने क्या करा, सिर्फ 5 और 7 को ही इंक्लूड करा, और किन दो नंबरों को हमने इंक्लूड नहीं करा, एक तो 1 को इंक्लूड नहीं करा, और एक ये नंबर इटसेल्फ, यानी कि ये नंबर खुद का ही नंबर 35, जो 35 खुद से ही डिवाइड होएगा, तो हमने 35 को भी इंक्लूड नहीं करा और 1 को भी इंक्लूड नहीं करा, हमने सिर्फ इंक्लूड करा किसको, 5 और 7 को। एक बार फिर देख लेते हैं, जब हमने कोई नंबर लिया तो हमने क्या करा, हमने मान लो एक नंबर लिया 35 हमने एक नंबर लिया, हमने क्या करा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो कितना आया 5 7 जो 35, तो हमने क्या लिख दिया 35 को हमने लिख दिया 5 × 7 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया। लेकिन जब हम इसके फैक्टर लिखते हैं, जब हम इसके फैक्टर लिखते हैं जो हमने सीखे हैं फैक्टर लिखने किसी भी नंबर के, तो हम क्या लिखते हैं 1 5 7 और 35, ये लिखते हैं हम इसके फैक्टर, 35 के कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर हो गए। तो हमने क्या देखा, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वो देखा, तो हमने देखा सिर्फ हमने 5 और 7 को ही इंक्लूड करा और 1 और 35 को इंक्लूड नहीं करा। तो यही तो ये पूछ रहा था कि कौन सा, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड, कौन से फैक्टर नहीं इंक्लूड होते जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन वो करते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कौन से दो नंबर इंक्लूड नहीं होते। तो हमने कौन से नंबर देखे, एक तो 1 और एक 35, यानी 1 और 35 जो ऐसे नंबर हैं जब हम किसी भी नंबर का कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 1 यानी कि 1 और वो नंबर खुद, 1 और वो नंबर अपने आप में ही इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इतनी बात हो गई क्लियर। इन्होंने हमसे पूछा कि कौन से दो नंबर हैं जो हम कभी भी किसी भी नंबर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इनको इंक्लूड नहीं करते, तो कौन से नंबर इंक्लूड नहीं करते, 1 और वो नंबर खुद हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इतनी बात हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये जो पार्ट था इसमें
जो भी क्वेश्चन हुए 1 और 2 और 3, यानी 3 क्वेश्चन करवाए। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे सेकेंड पार्ट में। तो इस पार्ट में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।